बूंदी। राज्य मंत्री अशोक चांदा ने किया जिले की सबसे बड़ी 1300 बीघा नंदीशाला का शिलान्यास। नंदीशाला को नंदी सेंचुरी के रूप में की जाएगी विकसित। युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदा ने कहा, राज्य सरकार ने गोवंश के लिए, उनके संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर पशु चालकों को प्रदेश में बड़ी राहत दी। चांदना गुरुवार को हिंडोली उपखंड आकोलिया रेंड में बनने वाली जिले की सबसे बड़ी नंदी गौशाला के शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को संबोधित किया। नवभारत समाचार बूंदी राजस्थान से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। क्या है, मोहर लग गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जिले की सभी प्रमुख जनों की और हिंडोली नैनवा तहसील के सभी वरिष्ठ जनों की बड़ी इच्छा थी कि बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम के बाद में जब फसलें बड़ी हो जाती हैं तो नंदी गाय, बूढ़ी गाय, केड़े केड़िया वो जब खेतों में घुसती है तो मनुष्य और गाय बैल के बीच में एक बड़ा खिंचाव, तनाव हो जाता है उस समय के दौरान, और उस समय गोवंश की बड़ी बेकदरी होती है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो गोवंश के द्वारा किसान की हानि होती है या किसान के द्वारा गोवंश की हानि होती है। तो ये हमारा इलाका, यहाँ पर जमीन गोचर ही जमीन है, गायों के लिए आरक्षित सरकार की जमीन है, यहीं पर सभी वरिष्ठ लोगों ने मिलकर तय किया। और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आसपास में 50 बोरिंग के पॉइंट जिनके खेत हैं वहाँ सूखे निकले हुए हैं, लेकिन गौशाला में जब पहली बार बोरिंग लगाया, पहला पॉइंट, उस पॉइंट में इतना पानी आया कि आने वाले समय में ये पूरी गौशाला डेवलप हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये सीधा भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद है इस जगह को, और शायद ये इतने सालों से ये जगह खाली, बाकी तो अभी तो जंगल पे भी अतिक्रमण हो रहे हैं सभी जगह, लेकिन ये जगह खाली किसके लिए रही? ये इस इलाके के लोगों के भाग्य से, इस क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों के, इस इलाके की जनता के भाग्य से गोमाता के लिए सदा खाली रही। और अब आने वाले समय में यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई संचालित गौशाला नहीं रहेगी, ये एक तरह से नंदी सेंचुरी डेवलप होगी। जैसे टाइगर, एक तो टाइगर आपने देखा होगा, सर्कस वाला, एक जू वाला, तो छोटी सी जगह में वो परेशान हो जाता है, उसकी सीमितता होती, वो परेशान जानवर होता है, लेकिन सेंचुरी के अंदर, जंगल के अंदर वो मस्त रहता है। ऐसे ही ये 1300 बीघा, अब ये 10-20 बीघा की गौशाला नहीं है, ये 1300 बीघा की नंदीशाला है। यहाँ पर 10-20 तो नाड़ियां बनेंगी, यहाँ पर लाखों पेड़ लगेंगे, यहाँ पर हजारों बीघा का ग्रेजिंग लैंड डेवलप होएगा, तो उसके साथ में गौ नंदी का स्वतंत्र जीवन यहाँ पर संभव हो पाएगा, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि ये तो एक विचार है, आज से पहले हमने कहीं देखा नहीं, लेकिन हमारी कोशिशें हैं कि ये कामयाब, अगर ये मॉडल कामयाब हुआ तो जिले में और भी नंदीशालाएं बड़ी बड़ी 500 बीघा की, 1000 बीघा की जो जमे धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई जानवरों की सुरक्षा हो नहीं पा रही है, तो निश्चित रूप से अगर ये मॉडल कामयाब हो गया, 1-2-3 साल 4 साल जरूर लगेंगे, हम पूरे सभी विभाग मिलके, सरकार के लोग मिलके, आम कार्यकर्ता मिलके, गांव के लोग सारे मिलके इसको डेवलप करेंगे। जब ये पूर्णतया सफल हो जाएगा तो जिले में और जगह भी इस प्रकार की नंदीशाला। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं